सो गाइस क्या आप लोग भी जियो सिम यूज़ करते हो और आप लोगों को जियो नेटवर्क का प्रॉब्लम, जियो इंटरनेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम या जियो नेट स्लो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसे में आप लोग टेंशन भी मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 100% वर्किंग वाला अभी तक का सबसे बेस्ट जियो सिम के लिए VPN सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हो तो और इसके बाद आप लोगों को जो भी जियो सिम में नेटवर्क का प्रॉब्लम या नेटवर्क का इशू देखने को मिल रहा होगा 101% सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग के फ़ोन का जो भी इंटरनेट है और ट की स्पीड से चलने वाला है, एकदम फास्ट है। तो यार इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरे तक वॉच करते ही रहिएगा। तो चलो यार अब हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते ही हैं। तो आप लोग यार सबसे पहले तो अपने फोन के सेटिंग के अंदर आ जाना, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का सेटिंग देखने को मिलेगा। तो यार इसको आप लोग क्लिक करना, और उसके बाद यार यहाँ पर आप लोगों के सामने दो सिम और देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का जो भी जियो सिम लगा होगा उसको आप लोग क्लिक करना, और उसके बाद भाई यहाँ पर आप लोगों को एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यार इसके अंदर आप लोग आ जाना, और उसके बाद नीचे में आप लोगों को एक रिसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करके भाई सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में एक बार VPN सेटिंग को रिसेट कर देना। और उसके बाद नीचे में आप लोगों को जो भी प्लस का आइकन देखने को मिला होगा उसको क्लिक करके भाई आप लोग अपने फोन में एक न्यू VPN क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे, तो मैं जो जो सेटिंग में जो जो चेंजेस कर रहा हूँ वैसे आपको भी सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में जो भी नेम देखने को मिला होगा उसमें आप लोग जियो गीगा नेट मैक्स डाल देना। मैं जिस तरीके से लिखा हूँ वैसे आप लोगों को सेम टू सेम लिखना है। जियो के जे कैपिटल में रहेगा, गीगा का जी कैपिटल में रहेगा, नेट का एन कैपिटल में रहने वाला है, और मैक्स का एम कैपिटल में रहेगा। और मैं जिस तरीके से स्पेस डाला हूँ उस तरीके से आपको भी सेम टू सेम करना है। और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा VPN का, तो इसमें भाई आप लोग यार स्मॉल लेटर पर जियो नेट डाल देना, सभी स्मॉल लेटर पर रहेगा और बीच में आप लोगों को बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद उसके नीचे आप लोगों को यूजर नेम देखने को मिल जाएगा, तो यार यूजर नेम में आप लोग यहाँ पर डालना स्पीड बॉट डॉट गीगा नेट मैक्स, इस तरीके से आप लोगों को सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर इस स्पीड में आप लोगों का एस कैपिटल में रहेगा, बॉट में बी कैपिटल में रहेगा, गीगा में जी कैपिटल में रहने वाला है, नेट में एन और मैक्स में एम कैपिटल में रहेगा, और बीच में आप लोगों को स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। इस तरह से सेम टू सेम इसमें आप लोग डाल देना। और इसके बाद उसके नीचे आप लोगों को सर्वर देखने को मिलेगा, तो सर्वर में आप लोग www.jio.com लिख लेना, बस आपको इस तरह से सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को इसको डाल देना है। और इसके बाद उसके नीचे आप लोगों को ऑथेंटिकेशन टैब देखने को मिलेगा, तो यार इसमें आप लोगों को फोर्थ में जो भी ऑप्शन देखने को मिला होगा PAP और CHAP वाला ऑप्शन को आप लोग फोर्थ को सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप लोगों को VPN टैब देखने को मिलेगा, तो यार इसमें आप लोगों को डिफॉल्ट डालना है, इसमें आप लोग डिफॉल्ट लिख लेना और स्मॉल लेटर में सभी को मैं जिस तरीके से लिखा हूँ उस तरीके से सेम टू सेम। और उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाएगा VPN प्रोटोकॉल का, तो यार इसमें को आप लोग क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, और इसके जस्ट नीचे आप लोगों को VPN रोमिंग प्रोटोकॉल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यार इसको भी क्लिक करके आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन को इसको में भी आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बेरर का, तो बेरर के अंदर आओगे तो यहाँ पर फर्स्ट में या और जो भी ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा उसको आप लोग हटाकर मैं जो जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको आपको भी सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को जो भी LTE देखने को मिलेगा उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद नीचे में और जितना भी 5-6 ऑप्शन है तो यार उस सबको आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप लोग जितना भी चेंजेस किए होंगे उसको आप लोगों को अपने फोन में सेव कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के फोन में जो भी पुराना वाला VPN सेटिंग सिलेक्ट रहेगा उसको आप लोग हटाकर अभी जो भी न्यू क्रिएट किए होंगे जियो गीगा नेट मैक्स वाला नेम का उसको आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप लोग एक बार जाकर अपने फोन को रिस्टार्ट या रिबूट कर लेना, बस आप लोग इतना कुछ करोगे। और उसके बाद आप लोग जाकर अपने फोन में नेट को चलाओगे तो भाई आप लोग खुद देखोगे आप लोगों को जियो सिम में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा 100% सॉल्व हो जाएगा। एंड इसी ट्रिक की मदद से भाई सभी लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपका भी यार ये ट्रिक की मदद से जियो सिम में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा वो सॉल्व हो जाता है, तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।